माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके नेचर पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एडवांटेज कह लीजिए, नीड कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना, इस पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एडवांटेज पर डिस्कशन करने से पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बार आपको मीनिंग बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पर क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए सिस्टम। क्या है? ये एक सिस्टम है विच हेल्प टू सिंप्लीफाई, कलेक्ट और प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट सो दैट बेटर डिसीजन कैन बी टेकन फॉर द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हिंदी में सुन लीजिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर उसको सिंप्लीफाई करता है और फिर उसको प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट के आगे। ठीक है, क्यों करता है? ताकि बिजनेस के फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन लिए जा सकें और जो बिजनेस की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? तो आइए अब इसके एडवांटेज पर डिस्कशन करते हैं, क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फायदे। तो पहला एडवांटेज है प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, प्रबंधन को आवश्यक जानकारी प्रदान करना। अभी मैंने मीनिंग में बताया ना आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और प्रबंधन को प्रेजेंट कर देता है, दिखा देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर देता है मैनेजमेंट के आगे। ये बताता है कि कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, यानी कि कैश एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का। ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है मैनेजमेंट को कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधन को आवश्यक जानकारी देने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नंबर सेकंड एडवांटेज है प्लानिंग फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए योजना बनाना। अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो पिछले सालों में हमने काम किए हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बेस पर हम फ्यूचर के लिए योजनाएं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के माध्यम से हमें पता चला कि अब की साल हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो उसके बेस पर हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगले साल हमें 2.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है और उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हाउ टू इंक्रीज सेल इन फ्यूचर, मान लीजिए अब की साल हमारी 2 लाख की सेल हुई तो 2.5 लाख की कैसे हो सकती है? ठीक है, ये कौन बताएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि भविष्य के लिए योजना बनाने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी सहायता करती है। नंबर थर्ड एडवांटेज है मेकिंग बेटर डिसीजन, बेहतर निर्णय लेना। अब देखिए पिछले सभी जो सालों में हमने कार्य किए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, उसके बेस पर क्या करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यानी कि 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन में से जो हमें हमारे लिए सुटेबल होगा हम उसको चूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, प्रोडक्ट्स इधर मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड। कंपनी में प्रोडक्ट लाने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से? या तो हम खुद मैन्युफैक्चर करें या बाहर से खरीद कर लेके आए। ठीक है, तो जो इनमें से हमारे लिए सुटेबल होगा हम उसको चूज कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेहतर निर्णय लेने में भी हमारी सहायता करता है। नंबर फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग न्यू पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, नई नीतियां और रणनीतियां बनाना। ठीक है, पिछले रिकॉर्ड से हमें पता चला कि सेल्स हमारी डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो पिछले साल हमने रणनीतियां बनाई थी वो हमारी गलत थी। ठीक है, तो इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस के फ्यूचर के लिए हम नई नई पॉलिसी बना सकते हैं। कैसे? अब सेल कैसे इंक्रीज करेंगे? देखो, मेकिंग पॉलिसीज टू एक्वायर मोर कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे एक्वायर किया जाए? तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नई नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाने में भी हमारी सहायता करती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट एडवांटेज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, उसको बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। कैसे? मान लीजिए मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एंड गिव ट्रेनिंग टू देम। अब देखो भाई, हम वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर लेंगे, माप लेंगे कि इसने इतना प्रोड्यूस किया, इसने इतना प्रोड्यूस किया। ठीक है, जो वर्कर कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं ना। ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग देके हम
अच्छे वर्कर के लेवल पर उनको लेके आ सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग उत्पादकता में वृद्धि करने में भी हमारी सहायता करती है। ठीक है जी। हाँ जी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेक्स्ट एडवांटेज है इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता में वृद्धि। प्रभावशीलता वृद्धि कैसे करता है? मैनेजमेंट एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फिक्स टाइम टू कम्प्लीट ए टास्क, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर एक वर्कर को एक फिक्स टाइम दे देता है कि आपको इतने समय में इस टास्क को कम्प्लीट करना है। तो इसकी हेल्प से है क्या होता है, प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज द एफिशिएंसी, कुशलता में वृद्धि। कुशलता में वृद्धि कैसे होगी, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मिनिमाइज वेस्टेज विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो, जो वर्कर कमज़ोर हैं, ठीक है, उनको क्या देंगे हम, ट्रेनिंग देंगे जो कि बेस्ट वर्कर के बराबर में आ सकें। इससे क्या होगी, कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट एडवांटेज है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ को अधिकतम करना। अब लाभ कैसे बढ़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सहायता से हमें पता चला कि पिछले साल प्रॉफिट हमारे कम थे, तो अब की साल हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। मेकिंग पॉलिसीज टू मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने के लिए, ठीक है, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो कॉस्ट को कम कर देंगे, ठीक है, जिससे कि अगर कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है प्रिपेयरिंग बजट, बजट को तैयार करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, बजट को तैयार करने में हमारी सहायता करती है। कैसे, परचेज बजट की, हमें कितना परचेज करना है, प्रोडक्शन बजट, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, पहले ही से ही अगले साल के लिए हम प्लानिंग करके रख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजट तैयार करने में भी हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट एडवांटेज है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, कर्मचारियों को उत्साहित करना। कैसे उत्साहित होंगे कर्मचारी, अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हेल्प से हम हर एक वर्कर को उसकी टास्क दे देते हैं, ठीक है, अगर वो वर्कर उस टास्क को टाइम पर कंप्लीट कर देता है तो कंपनी उसको रिवार्ड देती है, बोनस देती है, गिफ्ट देती है, ठीक है, जिससे कि वो एम्प्लॉई मोटिवेट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर्मचारियों को उत्साहित करने में भी सहायता करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स और टेक्निक्स पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाती है, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद दोस्तों।